हेलो स्टूडेंट्स, क्लास यूकेजी, सब्जेक्ट इंग्लिश, पार्ट थर्ड। कल हमने सबसे पहले पार्ट में हमने अल्फ़ाबेट और स्मॉल लेटर दोनों किए। सेकंड पार्ट के अंदर हमने ए से लेके ई तक थ्री थ्री मीनिंग्स किए। आज हम करेंगे एफ से मीनिंग स्टार्ट करेंगे। एफ से, ये एफ कौन सा एफ है? ये कैपिटल एफ और ये स्मॉल एफ। कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। अब इस एफ पे हमें कितने मीनिंग्स करने हैं? थ्री थ्री। रीड तो हम पांचों करेंगे लेकिन आपको राइट कितने करने हैं? थ्री। अब देखो एफ फोर क्या होता है? फिश, एफ आई एस एच, फिश। एफ फोर फैन, एफ ए एन फैन। एफ फोर फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर। एफ फोर फॉक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स। एफ फोर फ्रॉग, एफ आर ओ जी। फिर है एफ के बाद क्या आता है? जी। ये कौन सा जी है? कैपिटल और ये स्मॉल। कैपिटल जी, स्मॉल जी। जी फॉर गॉट, जी ओ ए टी गॉट। जी फॉर गिटार, जी यू आई टी ई आर गिटार। जी फॉर ग्रेप्स, जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स। जी फॉर गन, जी यू एन गन। G for girl, G I R L girl। फिर है G के बाद H। कौन सा H है ये? कैपिटल H। ये कौन सा H है? स्मॉल H। H for hummer, H U double M E R hummer। H for house, H O U S E house। H for horse, H O R S E horse। H for hat, H A T hat। H for hen, H E N hen। आ गया यहाँ तक? अब देखो fish, fan, flower, fox, fog। Got, guitar, grapes, gun, girl। Hummer, house, horse, hot, hen। अब देखो H का, H हो गया I। I कैपिटल I, स्मॉल I। I फॉर आइसक्रीम, इग्लू, आयरन, आइसक्रीम। इंसेक्ट, इंसेक्ट इग्वान। I फॉर इग्लू, I G A, I G L double O igloo, I R O N iron, I C E C R E A M ice cream, I N S E C T insect। फिर है यहाँ तक हो गया आपने। अब मैं आपको इन सबके F से लेके I तक थ्री थ्री मीनिंग्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप उसको ध्यान से देना। उन्हीं थ्री मीनिंग्स को करना है, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपको नोटबुक में भी करना है। अब देखो सबसे पहला है एफ, दिख रहा है यहाँ सबको? ये कैपिटल एफ और ये हो गया स्मॉल एफ। एफ फॉर फिश, एफ आई एस H। यहाँ दिख रहा है मेरा लिखा हुआ सबको? F for fish, F for fan, F A N fan। F for fox, F O X fox। अच्छा F और ये हो गया एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ। आ गया समझ में? अब एफ का क्या लिखा? फिश, एफ आई एस एच फिश। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फैन, एफ फॉर फैन के बाद फॉक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स। एफ के बाद क्या आता है? जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। जी फॉर गॉट, G O A T
got. G for grapes. G R A P E S. Grapes. G for gun. G U N. Gun. F और G. अब देखो H. ये है कैपिटल एच और ये है स्मॉल एच. कैपिटल एच स्मॉल एच. अब एच में क्या है? हाउस. एच फॉर हाउस. एच ओ यू एस ई. एच फॉर हाउस. एच फॉर हॉर्स. एच फॉर छोटे स्पेलिंग. एच फॉर हैट. एच ए टी. एच ए टी हैट. एच फॉर हैट. फिर एच फॉर हैन. एच ई एन हैन. एच के बाद क्या आता है? आई. कैपिटल आई स्मॉल आई. आई फॉर आइसक्रीम. आई फॉर आयरन. आई फॉर आइसक्रीम. आई सी ई. आई फॉर आइसक्रीम भी लिख सकते हो. आई फॉर आइस भी लिख सकते हो. आइसक्रीम तो आप लोग खाते हो. आइस जो होती है बर्फ होती है जो हम जमाते हो ठंडा पानी करते हैं ना चिल्ड वाटर करते हैं. किससे करते हैं? आइस. आइस मीन्स बर्फ. सी आर ई ए एम आइसक्रीम. सी फॉर आई फॉर आइसक्रीम. फिर है आई फॉर आयरन. आई आर ओ एन आयरन. आयरन आप कपड़े प्रेस करके आते हो ना अगर स्कूल में पहन के स्कूल यूनिफॉर्म वो है आयरन. आई फॉर इग्लू. आई जी एल डबल ओ इग्लू. सब समझते हो इग्लू? जो बर्फ का मकान बना होता है झोपड़ी जो बनी होती है ये देखो इग्लू. इग्लू यानी बर्फ का जो बना होता है. अब देखो वापस एक बार इसको. F for fish. F for fan. F for fox. फिर है G. G for goat. G for grass. G for gun. H for house. H for hat. H for hen. I for ice cream. I for iron. I for igloo. अब आ गया देखो F for fish. F I S H fish. F A N fan. F O X fox. Fish fish का मतलब सब समझते हो? मछली. Fan means पंखा. Fox means लोमड़ी. G O A T goat means बकरी. G R A P E S grapes means अंगूर. G U N gun. Gun means बंदूक. H for house. House में सब रहते ही हैं. H O U S E house means मकान या घर. Hat. H A T hat. Hat is बड़ा टोपा जो सिर पे लगाते हैं. फिर है एच ई एन हैन मीन्स मुर्गी. आई फॉर आइसक्रीम. आई सी ई सी आर ई ए एम आई फॉर आइसक्रीम. फिर है आई फॉर आयरन. आई आर ओ एन आयरन यानी इस्त्री. आई फॉर इग्लू. आई जी एल डबल ओ इग्लू जो बर्फ का मकान बाहर पहाड़ों पर जहाँ पे बर्फ होगी वहीं पे अपने को ये इग्लू बना हुआ नजर आएगा. ओके आपको आ गए तक समझ में? So okay, thank you.